हे दोस्तों, स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। यस, मैं हूँ हैंड ब्लेंडर फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय 300 वॉट की। वेट अ मिनट, हु आर यू? हाँ, और मेरा जो अनबॉक्सिंग अभी तक इस TRG यानी कि टेक्निकल राम जी किया ही नहीं है। इसके दो फोन में 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए मैं पड़ी हुई हूँ। मेरा कोई ख्याल ही नहीं है, ना ही मेरा कोई याद है। इसको कल रात में मैंने सपना दिखाया, तब जाके इसको अचानक से होश आया कि मेरे फ़ोन में भी कोई वीडियो है, और तब जाके इसे एडिट करने शुरू किया। और अब फाइनली अब जो आप अनबॉक्सिंग देखोगे, ये इसने ऑलरेडी बहुत पहले कर दिया है। सो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है? आज के वीडियो में हम लोग जो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं फ्लिपकार्ट के स्मार्ट बाय हैंड ब्लेंडर को, भाई थोड़ा सा तो अजीब लगा मुझे और आपको भी लगेगा स्टार्टिंग में कि ये क्या दिखा रहा है। हाँ भाई, मैं एक्चुअली में इसको अनबॉक्स करके भूल गया था और ये 3 हफ्तों से मेरे घर में पड़ा हुआ है। अनबॉक्सिंग मेरे फ़ोन मतलब कि कर दिया था, वीडियो पड़ा हुआ है घर पे, तो भाई इस्तेमाल हो ही रहा है, बट मेरे को ही टाइम नहीं मिल रहा है अपने पर्सनल काम और ऑफिस के चक्कर में और कुछ नया भी ट्राई करने के चक्कर में। तो ये रहा इसका यूज़र मैनुअल गाइड, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इस वीडियो में। और मैं आपको बता रहा हूँ इसका इफेक्टिव प्राइस मुझे कितना पड़ा, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक सेल के दौरान इसको लिया था। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो वाइट वाला पोर्शन है ना, इसको आप पानी में धो सकते हो, बट नीचे वाली साइड को जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, जो ब्लेंडर है इसका, जहाँ पर इसका नाइफ है, और ऊपर वाले पोर्शन, ये जो मशीन वाला पार्ट है, इसको गलती से भी पानी में मत लगाना, वरना आपका तो हैंड ब्लेंडर वाइज सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि ये वाटरप्रूफ तो नहीं है। बट हाँ, इतना तो श्योर बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और मुझे आप विश्वास नहीं करोगे, ये एकदम कम से कम प्राइस में मिला। भाई बात कर लेते हैं इसके वायर की, तो ये काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ ये जो इसका अटैचमेंट है ना, बहुत ही आसानी से हो जाता है भाई, एकदम मतलब एक बार रखोगे और क्लक से हो जाएगा भाई, निकालने के टाइम पे भी वैसा ही। तो भाई लगा के इस्तेमाल कर लो, धोने के टाइम पे अलग कर लो कि मशीन के अंदर एकदम भी पानी ना जाए। और ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है ना भाई, क्या ही कहोगे। मतलब हैंड ब्लेंडर फर्स्ट टाइम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे घर में भी कभी मम्मी ने नहीं मंगाया, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। और इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो भी दूंगा कि कैसे इसको मैं इस्तेमाल किया हूं और इसका क्या आउटकम निकला है, यानी कि क्या रिजल्ट आया है, वो आप इस वीडियो में देखोगे। साथ ही साथ ये सारे तरह के लेबल्स के साथ आता है, यानी कि ये पूरा सेफ है, यानी कि ISI मार्क है भाई, मेड इन इंडिया है, 300 वॉट है, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट तक ही चला सकते हो आप, उससे ज़्यादा मत चला देना। मतलब ऐसा नहीं कि हैंड ब्लेंडर को पूरा घुमाते रहो 5 मिनट तक, तब तो ये ख़राबी हो जाएगा, इसका मोटर उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, 300 वॉट का है, छोटा मोटर रहता है ना, मशीन देख लो कितना बड़ा है। और ये जो वायर है ये भी ISI मार्क है, यानी कि पूरी तरीके से सेफ है, किसी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉक या कोई प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो चलो भाई, इतना तो सिक्योर है। और फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाय प्रोडक्ट्स जो है ना भाई, अच्छे होते हैं। मेरे पास अभी भी फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाय आयरन है और लिटरली अभी तक वो चल रहा है, स्टीम आयरन। और जो भी लोग देखते हैं यार, अभी भी शॉक हो जाते हैं कि ये कैसा आयरन है जिसमें पानी मैं डाल के आराम से स्टीम कर सकता हूँ। तो हाँ, तो फ्लिपकार्ट के स्मार्ट बाय के कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं, अगर आप उसे एकदम सही तरीके से यूज़ करोगे, बिना कोई मिसयूज़ किए या फिर उसे गिराओगे नहीं तो। और इसका जो ये प्लग है ना, ये प्लग भी काफ़ी काम मतलब कि इंटरेस्टिंग से है। अगर आप देखोगे प्लग के सामने भी ISI मार्क्ड है, यानी कि पूरी तरीके से सेफ है भाई। मतलब कि ये मुझे सिर्फ़ और सिर्फ हैंड ब्लेंडर जो है 499 रुपीज़ में पड़ा। हाँ दोस्तों, ओनली 500 रुपये में। और यहाँ पर अब आप देखने वाले हो इसका लाइव डेमो टेस्टिंग। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये एग वाइट, मैंने एग निकाल लिया था क्योंकि मैं यहाँ पर जैपनीज ऑमलेट, कोरियन ऑमलेट बनाने वाला था। और आप देख ही सकते हो कितने अच्छे तरीके से जो है इसने एग वाइट को विस्क करना स्टार्ट कर दिया। और वीडियो के एंड तक देखना, पूरी तरीके से जो है ये एग को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देगा और बहुत ही अच्छे तरीके से, जो क्या कहते हैं उसे, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा फैल जाएगा, अभी देख सकते हो आप। तो ब्लेंडर बहुत ही अच्छा है भाई, मैक्स टू मैक्स आप इसे 300 वॉट का है, तो आप इसे 1 मिनट के अंदर चलाना, 30-40 सेकंड से, थोड़ा सा ब्रेक दे देना 5 सेकंड का फिर। तो बस दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही, आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। प्रॉपर एंडिंग नहीं दे पाया इसके लिए, सॉरी।